अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच मसूरी के तत्वाधान में बग्वाल बूढ़ी दिवाली के मौके पर भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पारंपरिक तरीके से बग्वाल मनाई गई और ढोल दमाऊ की थाप पर जमकर लोक नृत्य किए गए। अगलाड़ यमुना घाटी विकास मंच की ओर से चकराता टोल 0 पॉइंट पर बग्वाल समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डिमसा पूजन के साथ शुरू हुआ और उसके बाद होलड़े का दहन किया गया। वहीं लोगों ने जमकर लोक नृत्य किए। पारंपरिक वाद्य यंत्रों ढोल दमाऊ की थाप पर महिलाओं और पुरुष ने जमकर होलियात नृत्य, सराय नृत्य, रासो नृत्य और तांते नृत्य किए। उसके साथ ही पूरी मस्ती में नाचते रहे, जिसे देखकर आने जाने वालों के पैर भी थिरकने लगे। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सूर्यवीर रावत ने बताया, अपनी संस्कृति और सभ्यता से अपने आने वाली पीढ़ी को रूबरू कराने का यह एक सुनहरा अवसर है। यह पारंपरिक बरसों से चली आ रही है, जिसमें सभी ग्रामीण बूढ़ी दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उनके द्वारा आज भी जौनसार और जौनपुर की संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। घाटी विकास मंच के संरक्षक और पूर्व अध्यक्ष हमारे भाई मनमोहन सिंह मल जी, इस बूढ़ी बग्वाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और बधाई के साथ साथ आप सबको मैं इस बात के लिए भी सैल्यूट करता हूँ कि आपने अपनी संस्कृति को अभी बचा के रखा हुआ है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ मिलावट हुई है संस्कृति में। आप देखते हैं पहाड़ी गानों में कहीं टच आ गया, लेकिन जौनसार और जौनपुर के लोगों ने अपनी संस्कृति को, उस परंपरानी परंपरा को जिस तरह से आप आगे बढ़ा रहे हैं इन कार्यक्रमों के माध्यम से, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि जो कौम अपने संस्कृति से लगातार जुड़ी होती है, निश्चित मान लीजिए वो कौम संपन्न भी होती है और वो कौम वर्षों वर्षों तक सर्वाइव भी करती है। आज ये त्यौहार ये हम लोग भी मनाते हैं, कहीं इगास के नाम से, कहीं बग्वाल के नाम से, कहीं आप लोग बूढ़ी बग्वाल के नाम से, सबका साथ उस हर्षोल्लास की प्रतीक थी। जब रामचंद्र जी रावण का वध करके सीता मैया को वापस लेकर अयोध्या पहुंचे, तो जहां जहां समाचार जब जब पहुंचा वहां वहां लोगों ने खुशी का इजहार किया रोशनी जला के। लेकिन मैंने यहाँ पर जब देखा कि चूड़ा और अखरोट की बारिश करके, ये इस बात का प्रमाण है कि आप लोग बहुत पहले से संपन्न थे। बोले पर्वतीय क्षेत्रों में बग्वाल में लकड़ी जला करके लोगों ने रोस्टी करके खुशी का इजहार किया, आर्थिक संपन्नता इस तरह नहीं थी। लेकिन आपके यहाँ लगता है बहुत पहले से ही फलदार पूरा आप लोग थे और उद्यान के क्षेत्र में आप लोग काफी आगे थे। और आज औद्यानिकी भी आपके यहाँ धीरे 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 दम तोड़ रही है। मेरा आपसे निवेदन है संस्कृति को बचाने के साथ साथ औद्यानिकी को भी बचा के रखें, क्योंकि धीरे धीरे जब किसी जात में किसी कौम में पलायन बढ़ता है तो वह धीरे धीरे संस्कृति भी कमजोर होती है। तो वो पलायन को रोककर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए अपनी संस्कृति को बचाए रखना, या आज तक भी आपने किया, मैं निवेदन करता हूँ कि आगे भी करें। और एक बार आप सबको बधाई देते हुए जो भाई मनमोहन सिंह मल जी ने बात की, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, लेकिन बड़ी अजब बात है मनमोहन सिंह मल, ज्योत सिंह गुंथोला, इतने बड़े बड़े पहलवान जाओ वहां पर भवन आधा खाली को उनका वो जो है, इतने बड़े बड़े पहलवानों को नहीं रुकना चाहिए था, उन्होंने कर लिया थोड़ा, अब आपने मेहरबानी की, थोड़ा का भी केवल ही देख लेना केवल उन्होंने खम्बे, लेकिन प्रयास करेंगे मिल करके। और क्योंकि ये भी आवश्यक होता है कि जब आपके पास कहीं रहने के लिए बैठने की जगह होती है तो लोगों में बैठने, आपसी मुलाकात करने से प्रोग्राम कार्यक्रम बनते हैं, कार्यक्रमों को बना करके उनका क्रियान्वयन होता है। और जब मेलजोल बढ़ता है तभी संस्कृति आगे बढ़ती है, अगर मेलजोल रुक जाएगा तो संस्कृति भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो ये आवश्यक भी है, मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। और भाई मनमोहन सिंह बल को, भाई सुरवीर सिंह रावत जी को, जितने क्योंकि आयोजन करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो लोग होते हैं जिनकी सहभागिता होती है। अगर सहभागिता ना हो तो कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता। तो जिस तरह से बड़ी संख्या में माँ बहनों ने इसमें यहाँ पर प्रतिभाग किया, मैं समझता हूँ असली वाहक वही है संस्कृति की, और उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको एक बार बूढ़ी बग्वाल की बहुत बहुत बधाई। क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर धूमधाम से मनाया जा रहा है, किस प्रकार से देखते हैं इसको?
ये दिवाली पर्व जो है हमारा, जिसको बूढ़ी दिवाली के नाम से हम लोग गांव में कहते हैं, इस पर्व को हम लोग यहाँ चक्रोता टोल में विगत कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं, जिसमें हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, जवान सभी जो मसूरी में प्रवास करते हैं, अगलाड़, यमुना घाटी, जौनसार, बाबर, थतूर और थकलाना के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर आकर इस बूढ़ी दिवाली को मनाते हैं। यहाँ पर हम लोग दीपसा लगाते हैं, उसके साथ होले खेले जाते हैं, पकौड़े बनाए जाते हैं और चूड़ा और अखरोट का जो है वितरण किया जाता है प्रसाद के रूप में। रस्साकसी जिसे जो है वो खेली जाएगी अभी, और आप देख रहे हैं कि सुबह से जो है यहाँ पर तांदी नृत्य, रासो और पांडव नृत्य किया जा रहा है। सभी महिलाएं अपने पारंपरिक वेशभूषा में सुबह से, और पुरुष और बुजुर्ग लोग सभी जो है पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य कर रहे हैं। इससे एक फ़ायदा ये है कि हमारी जो पीढ़ी, नई पीढ़ी जो यहीं पर जन्म लेती है और गांव जाना, आना जाना कम होता है, वो अपने संस्कृति को ना भूलें, हमेशा अपनी संस्कृति को याद रखें। पर्यटन नगरी मसूरी के होने के नाते यहाँ पर पर्यटकों का भी बहुत आना जाना है, वो भी हमारी संस्कृति से जो है रूबरू होते हैं, जिससे हमारी संस्कृति देश और विदेश में प्रचलित होती है और हमारी संस्कृति विरासत विलुप्त ना हो जाए। इसके लिए भी हम विगत कई वर्षों से इस कार्यक्रम को मसूरी में जो है करते आए हैं और आगे और भव्य रूप में इसे करेंगे। कहीं नहीं है, और सब लोग अपने देख लीजिए, सुबह से पारंपरिक माताएं बहनें जो है पारंपरिक वेशभूषा में हैं, और जवान बूढ़े सब लोग एक सुबह से कम अब 5-6 घंटे होने को है नृत्य कर रहे हैं और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। एक समस्या थोड़ी सी जो है ये भी है, अभी तक जो है यहाँ पर ये भवन नहीं बन पाया, काफ़ी समय से लंबित है, सड़कों पे कार्यक्रम करना पड़ता है। ये हम लोगों ने काफ़ी वर्ष पूर्व जो है इसकी लीज कराई थी, पैसे के अभाव में हम लोग सिर्फ कॉलम तक खड़ा कर पाए हैं। माननीय विधायक जी ने 10 लाख रुपये, गणेश जोशी ने 10 लाख रुपये देने की घोषणा की है, और कुछ हम और धन का जो है इधर उधर से जो है तो कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं ताकि 1-2 लिंटर डाल के इसमें हॉल तैयार हो जाए और आने वाले समय में जो है कार्यक्रम जो है अंदर सड़क के बजाय हमारे हॉल में आयोजित किए जा सके। मसूरी से दैनिक भास्कर संवाददाता अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट।